नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल और आज बात करेंगे सूटकेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में दो लाइन ये बता दूं कि वीआईपी जो सूटकेस बनाया था सबसे पहली बार उसने 1971 में पहला वीआईपी अपना बनाया था और तब से वो 60 मिलियन पीसेस को अभी तक बेच चुका है। 60 मिलियन पीसेस आप समझ सकते हैं कि सो ह्यूज क्वांटिटी होता है, तो उसको इसने बेचा है। अब इसके बारे में ये तो हम जान गए कि ये देश की सबसे पुरानी सूटकेस मेकर कंपनी है। अब इसके बारे में जान लें कि इसके रिटर्न की स्थिति क्या है और आगे की रणनीति क्या हो और इसने पैसे बना के दिए हैं तो कितने पैसे बना के दिए हैं। तो एक दिन की रिटर्न अगर इसकी देखें तो 3.35% का निगेटिव रिटर्न है। वन वीक में अगर देखें तो 11.64% का निगेटिव रिटर्न है। वन मंथ में देखें तो 1.61% का नेगेटिव रिटर्न है और वन ईयर में देखें तो लगभग ये अपने आधी कीमत पे मिल रही है, लगभग 55% का नेगेटिव रिटर्न है। मतलब एक साल में अगर बात करें तो ये 55% तक की गिरावट दर्ज कर चुकी है। अब पांच साल की अगर बात करते हैं तो ये 126.55% लगभग आपके पैसे इसने 2.25 गुने किए हैं। तो पांच साल में 2.25 गुना, वो भी तब जबकि स्थिति इतनी खराब है और वो भी तब जब एक साल में ये अपनी आधी रेट पर आ चुका है। फोरकास्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं तो 71% फोरकास्टर कह रहे हैं कि ये अभी अच्छा समय है इसको बाई करने के लिए। इसके बारे में एक और आपको बताते चलूं कि इसमें जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं शेयर बाजार के, तो उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रकम लगा रखी है और उन्होंने अभी इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इसका फ्यूचर प्राइस लगता है कि ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि हम लोगों की उतनी बड़ी टीम नहीं है कि उस लेवल तक जाके अंदर तक और इसके बैलेंस शीट की तहकीकात कर सकें, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी जैसे जो लोग हैं उनके पास इतनी क्षमता है कि वो लोग इन कंपनियों के अंदर तक जाके इनके बैलेंस शीट को खंगाल करके और इनको समझ करके ही पैसा लगाते हैं। तो जब वो पैसा लगा सकते हैं तो हमें भी लगाना है, लेकिन हमें अपनी चौकसी के साथ लगाना है, क्योंकि पता चला कि वो तो पता नहीं कब निकल लिए वहां से और हम वहीं पे बने रहे। तो जहां भी इन्वेस्टमेंट करें उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी अपनी निगरानी भी रखना जरूरी होता है। अब इस कंपनी के बारे में अगर इसके चार्ट को देखें तो चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट देखेंगे तो एक पीछे जो अगस्त का महीना है तब इसने एक हाई बनाई थी 647 रुपये की। 647 रुपये से गिरावट जब शुरू होती है तो इसकी गिरावट होते 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 फाइनली मार्च महीने में ये 187 रुपये 65 पैसे तक गिर जाता है। फिर यहाँ से थोड़ी रिकवरी होती है अप्रैल महीने में और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो अभी क्लोजिंग प्राइस है पीछे का वो 213 रुपये 30 पैसे का है। 200 दिनों की ईएमए निकल के आ रही है 166 रुपये 21 पैसे का। तो वर्स्ट सिनेरियो में अगर ये गिरना जारी रहता है तो मान के चला जाए ये 166 रुपये 60 रुपये तक जा सकता है, ऐसी संभावना है अगर मार्केट में यही पैनिक बना रहा और यही गिरावट बनी रही। तो ये समय ऐसा है कि जब अगर 200 रुपये से नीचे इसकी रेट आती है तो धीरे धीरे आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जमा कर सकते हैं और यह ध्यान रहे कि स्टेगर माइनर में ही कोई भी बाई करनी है, एकदम से बल्क में कोई बाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नीचे कहाँ तक जा सकता है, 160 तक जाए, 150 तक जाए, तो जहाँ भी नीचे तक जाए वहाँ आप इसको बाई कर सकते हैं। कंपनी चूंकि पुरानी है, कंपनी का एक 50 साल का अपना इतिहास है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो हमारे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट आपका सुरक्षित रहता है। क्योंकि मार्केट में वैसी कंपनियों में हरदम इन्वेस्ट करना सुरक्षित माना जाता है जिनके प्रोडक्ट्स आपके आंखों के सामने दिख रहे हों। तो आपके घर में भी वीआईपी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में भी दिख रहे होंगे, तो कंपनी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। देश में हालात ऐसे चल रहे हैं, दुनिया में बिजनेस के हालात ऐसे चल रहे हैं, इस वजह से ये सारी गिरावट आई हुई है। इकोनॉमी की हालत खराब है, इस वजह से आपको ये सस्ता मिल रहा है। अगर ये सारी चीजें ठीक होती तो निश्चित रूप से आपको आज की तारीख में ये 600 और 700 रुपये में खरीदना पड़ता। तो ये तो रही इसके चार्ट का एनालिसिस। अब इसके बाद हम इसके कारोबार की स्थिति को अगर एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो वहां देखते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने शुरुआत किया था 219 रुपये से,
इसने हाई बनाई थी 220 रुपये 90 पैसे का और लो बनाया था 212 रुपये 5 पैसा, और लगभग ये अपने लो के आसपास ही 213 रुपये में क्लोजिंग दिया है। इसकी ट्रेडेड जो वॉल्यूम है वो 206,913 शेयर्स की है और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो 119,918 की है, और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो आप देख सकते हैं कि 58% तक की है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें पैसे लगा रहे हैं और इसे अपने डीमैट अकाउंट में और अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपसे मैंने शेयर की। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।